नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो वंदे भारत ट्रेन को फिर से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दरअसल आप आर्टिकल देखिए, जोधपुर वंदे भारत को पलटाने के लिए ट्रैक पर रखा गया सीमेंटेड कंक्रीट ब्लॉक ट्रेन ब्लॉक से टकरा गई। तेज आवाज पर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। तो सबसे पहले तो उस लोको पायलट को बहुत बहुत सलाम है जिसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ट्रेन को तभी रोक लिया। दरअसल ट्रेन जो है उस सीमेंटेड ब्लॉक से टकरा चुकी थी। ट्रेन टकराई भी भाई, पर लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन पर जरा सी खरोच आई, मतलब थोड़ा तो नुकसान होता, ट्रेन थोड़ी सी मतलब डैमेज हो गया उसका पार्ट, पर लेकिन लोको पायलट की समझदारी ने ट्रेन को फिर से पटरी से उतरने से बचा लिया। अब फिर से मैंने इसलिए बोला, दरअसल कुछ समय पहले का आप ये खबर देखिए, इस मामले में गंभीरता को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। गौरतलब है कि इससे पहले 2 अक्टूबर 2023 को भीलवाड़ा में भी वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। तो इससे पहले पिछले साल भी इस तरह की खबर आई थी कि ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। और दरअसल सिर्फ वंदे भारत नहीं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कई वीडियोस देख लिए जिसमें लोको पायलट ने खुद ने दिखाया कि भाई ट्रेन स्टेशंस पर देखो किस तरीके से लोगों ने पत्थर रखे हुए हैं। इतनी बेवकूफ़ी भरा काम आखिर कोई कैसे कर सकता है भाई? ट्रेन को पलटाने की किस प्रकार कोशिश कर सकता है? उसका दिमाग कहाँ तक का पहुँच सकता है? कितना शैतानी दिमाग हो सकता है उस व्यक्ति का जो ये कार्य करने की सोच भी रहा है? ऐसे के खिलाफ तो सख्त से सख्त, जो सबसे सख्त सजा हो, सरकार को वो सजा उसे देनी चाहिए, कोर्ट को वो सजा उसे देनी चाहिए। आखिर इतना घिनौना काम कोई कैसे कर सकता है कि ट्रेन के आगे सीमेंटेड ब्लॉक अड़ा दिए, जिसके बाद पब्लिक ने जवाब में कुछ इस प्रकार लिखा है। ये कौन लोग हैं जो देश भर में ट्रेन पलटने के लिए पटरियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं? गहन जांच हो तो बड़ा रैकेट खुलेगा। एक यूजर लिखते हैं, कौन लोग कर रहे हैं ऐसा? क्या सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल हो गया है? रेलवे क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन कोई जांच कर भी रहे हैं? एक यूजर लिखते हैं, देश संकट में है। एक यूजर लिखते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर ये कौन लोग हैं? एक यूजर लिखते हैं, रेल में सुरक्षा कर्मी बढ़ा दो। तो इस तरीके से कुछ यूजर्स भी लिखते हैं कि आखिर ये कौन कर रहा है। और सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि रेलवे में जो है सुरक्षा कर्मियों की थोड़ी मतलब संख्या जो है और बढ़ानी चाहिए, जिस कारण इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी ना हो पाए। मतलब जब सुरक्षाकर्मी बढ़ेंगे तो ध्यान बढ़ेगा और इस तरह की कोई भी किस्सा जो है बिल्कुल भी सामने नहीं आएगा। एक यूज़र लिखते हैं, अपने एजेंडों को पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और फिर उसमें इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है। आज ना कल ये तो पता चल ही जाएगा कि ये करतूत किन की है। मतलब इससे में ये एक अखबार की कटिंग की तस्वीर शेयर करते हैं और ये ऐसा लिखते हैं, वो तो बात सत्य है, पता तो चलना ही है आखिर कौन है, पर लेकिन इतनी घटिया मानसिकता किसकी हो सकती है कि इतना घटिया कार्य कर सके वो, पूरी की पूरी ट्रेन के आगे इतना बड़ा सीमेंटेड ब्लॉक लगा दिया भाई? आखिर क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा? सरकार को जांच करनी भी चाहिए और सरकार इस समय जांच कर भी रही है। इस तरह की घटिया करतूत करते हैं लोग और सवाल उठते हैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पर। हालांकि सरकार को ध्यान देना भी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। अगर पकड़ा जाता है तो सरकार सिंपल सी बात है सख्त से सख्त कार्रवाई तो करेगी, पर लेकिन सुरक्षाकर्मी बढ़ाने चाहिए रेलवे को भी। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये खबर है, इतनी घटिया हरकत इस व्यक्ति ने करी, अब किसने करी ये तो नहीं पता। इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।